नमस्कार दोस्तों, संस्कार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीका से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, तैयार हो जाएं। जो आप लोगों का राजस्थान जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, आपकी आने वाली एग्जाम 28 अगस्त की जो होने वाली है, जो राजस्थान जीके के में सारे के सारे क्वेश्चन लेकर आ गए, एक भी क्वेश्चन मिस मत कर देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे सीधे अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, नृत्य की किस शैली से दयाराम सैनी संबंधित थे? बताओ भाई, नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित था, नृत्य के बारे में पूछा गया है, याद कर लेना। आपका देखिए भवाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भवाई है जो, ठीक है। देखिए, पर्वत सर पशु मेला किस किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वत सर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? देखिए, तेजा जी की स्मृति में पर्वत सर का मेला आयोजित किया जाता है, ठीक है। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है लाडले बच्चों? ये आपका बीकानेर के अंदर मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है ऊंट महोत्सव? बीकानेर में। राजस्थान में मत्स्य संघ का विलय किया गया, तो बताओ राजस्थान में मत्स्य संघ का जो विलय किया गया था ना, इसके बारे में आप लोगों को आंसर बता देना भाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 मार्च सन 1948 को, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर छपने वाला है। मरू राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मरू राष्ट्रीय उद्यान याद कर लेना है आप लोगों का, जैसलमेर के अंदर स्थित है आपका मरू राष्ट्रीय उद्यान है जो, बिल्कुल सही कर लेना है। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण किस जिले में स्थित है? तो देखिए, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण आपका चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। चलिए देखिए, गणगौर के अवसर पर ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? ग्रासियों के जरिए जो नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या हो जाएगा? वालर। वालर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। स्वतंत्रता सेनानी सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी? सावित्री देवी भाटी किस रियासत से संबंधित थी, कमेंट करो भाई जल्दी जल्दी। तो देखिए, जोधपुर रियासत आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी रियासत थी? जोधपुर रियासत आप लोगों का बिल्कुल सही कर लेना है। अगला देखो, देखिए, किस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है? बताओ जल्दी जल्दी, गाय के बछड़े की पूजा किस दिन की जाती है? तो देखिए, आंसर कर लेना आपका बछवारस के अंदर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना, हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आप लोगों के छपने वाले हैं। देखिए, कौन भगत पंत का संस्थापक था? भगत पंत का संस्थापक कौन था भाई, याद कर लेना आपका, गुरु गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, गुरु गोविंद गिरी है जो, ठीक है। देखिए, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, याद कर लेना, सिरोही। सिरोही आप लोगों का तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना के किस राज्य के सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? राजपूताना के किस राज्य ने सर्वप्रथम अकबर की क्या की थी, स्वाधीनता, देखिए स्वाधीनता क्या की थी, स्वीकार की, याद कर लेना भाई। तो देखिए, आमेर आप लोगों का सही होगा, आमेर। ये कहां पर है भाई, जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखो, किस स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है? कौन से स्थान को बांगड़ का जलियांवाला बाग कहा जाता है भाई, आंसर बताओ भाई जल्दी जल्दी बता देना सभी को। तो मानगढ़ आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, मानगढ़ जो। अगला क्वेश्चन देखो, किसने जैसलमेर के पांच पटवा हवेलियों का निर्माण कराया था? पांच पटवा हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, गुमान मल ने करवाया था। किसने करवाया था प्यारे बच्चों? गुमान मल, सही कर लेना है, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा और आप लोग भी कमेंट करते रहें। राजस्थान के किस राज्य के शासन को महारावल कहा जाता था? राजस्थान के किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता था भाई, ठीक है ना, किसको कहा जाता था महारावल? देखिए, डूंगरपुर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा आपका, डूंगरपुर है जो, ठीक है ना। अगला देखो भाई, देखिए 1857 के विलुप्त में, याद कर लेना आपका, देखिए विप्लव में कौन कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था भाई? कोटा राज्य का पॉलिटिकल जो एजेंट था ना, उनका नाम क्या हो जाएगा, याद कर लेना भाई,
ठीक है ना। देखिए मेजर वर्टन आप लोगों का बिल्कुल सही होगा, आपका मेजर वर्टन है जो, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है भाई, किस खनिज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? देखिए पुष्कर, बिल्कुल सही कर लेना है आप लोगों का, कौन सा हो जाएगा याद कर लेना है, कौन से देखिए खनिज उत्पादन में है भाई, ठीक है ना। खनिज उत्पादन में तो चांदी हो जाएगा ना, याद कर लेना, पुष्कर नहीं होगा, ठीक है। चलिए चांदी इज द राइट आंसर होगा आपका, चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? पशु मेला नहीं है ना, उसके बारे में आप लोगों को बता देना भाई। रामदेवरा, बिल्कुल सही कर लेना है रामदेवरा, एकदम छपने वाले क्वेश्चन है, मजा आ रहा होगा आशा करता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना। अगला देखो, देखिए किसे 1974 में ब्लू पॉटरी के लिए देखिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री क्या दिया गया था, पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आंसर देख लो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे आंसर बताएं इसका। तो देखिए कृपाल सिंह शेखावत, याद कर लेना आपका ऑप्शन नंबर दो मतलब बी, कृपाल सिंह शेखावत है जो। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? अरे बम नृत्य के बारे में तो सब जानते हैं भाई, भरतपुर से संबंधित होगा, बम नृत्य भरतपुर, अलवर भरतपुर से। और हाँ आप लोग शायद भूल रहे हैं क्योंकि इतने क्वेश्चन तो भाई लाजवाब एग्जाम में छपेंगे। चलिए मारवाड़ी परगनारी विगत के लेखक हैं, मारवाड़ी परगनारी विगत के लेखक बताओ सभी बच्चों, तो कौन हो जाएंगे? नेंसी आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आपका, नेंसी, ठीक है ना। अगला देखो, देखिए कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, कंदोरा नामक आभूषण है ना, तो बताइए स्त्रियों के जरिए, इसका आंसर देख लेना आपका। देखिए कंदोरा नामक आभूषण औरतों द्वारा पहना जाता है, कमर में पहना जाता है, ठीक है, याद कर लेना आपका, कमर के अंदर, ठीक है ना। चलिए देखिए राजपूत चित्रकला की किस शैली से नियाल चंद संबंधित था, किस शैली से नियाल चंद संबंधित है इसके बारे में आप लोगों को बताना भाई, ठीक है ना। किस से संबंधित है? देखिए किशनगढ़, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना, किशनगढ़। अब हाँ अब हमारी बात तो आप सुन ही लियो लेंगे। अब देखो आपको बताया 28 तारीख का आपका एग्जाम है, ये मान लो कि भाई आपका कल ही एग्जाम है, ठीक है, जब भी जाके पास कर पाओगे। तो देखिए आपके जो बचे हुए कुछ दिन है ना, उनमें अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो देखिए हमने आप लोगों के लिए 15 मॉडल पेपर क्या कर दिया भाई, 15 मॉडल पेपर आप लोगों के लिए पेपर तैयार कर दिए हैं। खुश हो जाओ एक बार, मुस्कुरा दो भाई, ठीक है। 15 मॉडल पेपर और 5000 MCQ, जिसमें शिक्षण अभिरुचि राजस्थान, GK और हिंदी, घबराओ ना जी लाडले बच्चों, सॉरी। तो देखिए ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, मात्र 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 कितने रुपए में, 50 रुपए में तैयार किया है। अगर जो भी लेना चाहता है ना, तो 96, 81, 97, 98 ले लो भाई, अभी मौका है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इससे। 50 रुपए के तो गोल गप्पे भी खा जाते होंगे आप लोग जो है ना, लेकिन अगर ये आप लोगों ने ले लिए 15 मॉडल टेस्ट संस्कार क्लासेज के, समझ लेना आप ना इतिहास रचोगे एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन ये देख लेना आपका, अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो। देखिए सूफी संत हमीउद्दीन किस स्थान से संबंधित हैं, इसके बारे में आप लोगों को बताना भाई, ठीक है ना। देखिए 74 का आंसर आपको देख लेना है, नागौर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है, ठीक है। अजरंग, देखिए अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छपना किस स्थान की, किस स्थान की प्यारे बच्चों, किस स्थान की विशेषता है इसके बारे में बताना है, किस स्थान की विशेषता भाई, ठीक है ना। आंसर देख लेना, किस स्थान की विशेषता हो जाएगी, बाड़मेर आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना है, बाड़मेर है जो, ठीक है। देखिए सुमिलित युग्म है इसके बारे में बताना, सुमिलित युग्म के बारे में आप लोगों को बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इनमें से सुमिलित युग्म है, अरे उपयुक्त सभी कर लेना है, जयपुर ढूंढाड़ होगा, जोधपुर मरु होगा, उदयपुर मेदर टॉप होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अभी इस तक अगर लाइक नहीं किया ना लाइक कर दो, इतनी मेहनत पर है, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। राजस्थान के किस राज्य में
1942 में आजाद मोर्चा का गठन हुआ था। किसका? आजाद मोर्चा का गठन हुआ था, इसके बारे में आप लोगों को बता देना भाई, ठीक है ना। आजाद मोर्चा का गठन हुआ था जयपुर के अंदर, याद रख लेना आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है ना। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज देवताओं का देखिए साल स्थित है भाई, जल्दी बताओ भाई। देवताओं का जो साल स्थित है ना, ये हो जाएगा आपका मंडोर के अंदर। कहां पर है? मंडोर, बिल्कुल सही कर लेना है, मंडोर के अंदर, ठीक है ना। चलिए, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके जरिए करवाया गया था? जंतर मंतर का निर्माण देखिए 79 का आंसर देख लेना है, सवाई जयसिंह। जंतर मंतर का निर्माण सवाई जयसिंह के जरिए, याद कर लेना आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है ना। अगला देखो, राजस्थान में प्रथम सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी, प्रथम सूती वस्त्र मिल जो स्थापित की गई थी, इसके बारे में आप लोगों को बता देना भाई, ठीक है ना। आंसर देख लेना व्यावर के अंदर, कहां पर है? व्यावर, बिल्कुल सही कर लेना है, ठीक है ना, घबराओ मत जी। कौन सा क्रांतिकारी राजस्थान का निवासी नहीं था? उस क्रांतिकारी के बारे में बताओ जो राजस्थान का निवासी नहीं था। विजय सिंह पथित, विजय सिंह पथित राजस्थान का निवासी नहीं था, ठीक है ना। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया, याद कर लेना है। जैसलमेर आप लोगों का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, जैसलमेर को सोनार दुर्ग कहा गया, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, राजस्थान में 1857 का देखिए विप्लव सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुआ था? आंसर देखो भाई, नसीराबाद, ये हो गया भाई क्वेश्चन तो बड़ा ही जानदार है, नसीराबाद से, ठीक है। लूनी नदी का उद्गम स्रोत बताओ भाई, सभी बच्चों लूनी नदी का उद्गम स्रोत के बारे में आप लोगों को बता देना भाई, ठीक है ना। लूनी नदी का उद्गम स्रोत देखिए अजमेर के नाग पहाड़ की पहाड़ियों से, बिल्कुल सही कर लेना आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, ठीक है ना। मेवाती बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? अरे कितना अच्छा क्वेश्चन है, मेवाती बोली सीकर में, झुंझुनू में, अलवर, भरतपुर, धौलपुर या दौसा जयपुर या फिर दौसा अलवर, तो आंसर कर लेना आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? अरे गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है, याद कर लेना है, ऊंट के, ऊंट का श्रृंगार किया जाता है, ऊंट का, बिल्कुल सही हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। भैंस की नस्ल कौन सी है? अरे सबको पता भाई, भैंस की नस्ल के बारे में तो सभी को पता होगा है, अरे मुर्रा, जो सबसे अधिक दूध भी देती है, ठीक है। पर्यटनों का मुख्य आकर्षक देखिए जग मंदिर, देखिए राज प्रसाद कहां पर स्थित है, इसके बारे में देख लेना है, बताओ भाई 88 का आंसर देख लेना आप लोगों का क्या हो जाएगा भाई, ठीक है। तो देखिए उदयपुर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आपका उदयपुर, ठीक है ना, बिल्कुल जी। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है? सभी बच्चे बताओ कमेंट करके, बातारी फुलवारी के लेखक कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि हो गए, विजयदान देता हो गए या भाव भट्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। जल्दी जल्दी बताओ भाई इसका आंसर कौन बताएगा, तो विजयदान देता बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विजयदान देता, मजा आ रहा है ना। चलो तो भाई, राजस्थान की प्रथम महिला मांड गायिका कौन सी थी जिसने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था, तो देखिए उनका नाम था अल्लाह जिला भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, अल्लाह जिला भाई, ठीक है ना। अगला देखो, प्रसिद्ध बादला जो बाटर बोल्ट राजस्थान के किस शहर से संबंधित है? नागौर से, श्रीगंगानगर से, जोधपुर से या सीकर से भाई, ठीक है, आंसर देखकर बताओ। तो देखिए इसका आंसर जोधपुर आप लोगों का बिल्कुल सही होगा आपका जोधपुर है जो, ठीक है ना। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, सबको पता है लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला तेरे ताली नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? तेरे ताली नृत्य किस जाति के जरिए किया जाता है, तो देखिए कामड़ जाति के जरिए किया जाता है, ठीक है, किस जाति के जरिए, कामड़ जाति के जरिए किया जाता है। अगला देखो, पृथ्वीराज रासो का रचयिता कौन था? अरे पृथ्वीराज रासो है, सबको पता है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे भाई, ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता थे चंद्रवरदाई, सबको पता भाई चंद्रवरदाई थे, ठीक है। लहरिया ओढ़ना स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? आंसर देखो भाई,
इसका आंसर आप लोगों को क्या करना, चलो कमेंट सेशन में आप लोगों को जरूर बता देना, ठीक है, इसका आंसर कमेंट सेशन में बता देना। और ये बहुत ही शानदार है भाई, आप लोगों को जिताने वाली ये सीरीज है, आप लोगों को डेली की डेली, अगर यही चाहते हैं ना आप लोग कि सर हमको चाहिए एग्जाम को पास करना, तो डेली 7 PM पर आप लोगों के लिए 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो रट लेना। और हाँ, मॉडल पेपर मैंने आपको बोला है ना, मॉडल पेपर मात्र 50 रुपये में 15 मॉडल पेपर है भाई, ठीक है, ये आप लोगों को आपकी रणभूमि में अस्त्र शस्त्र की तरह काम करने वाले हैं, ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आप लोगों को शाम को 9 बजे, उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ जाना, ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद।